दोस्तों अतीक अहमद मामले में यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह एसटीएफ टीम आज शायद नहीं होती अगर उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला नाम का बदमाश जन्म नहीं लेता। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस में एसटीएफ टीम का गठन किया था, जिसने देश में पहली बार मोबाइल सर्विलांस की मदद से किसी अपराधी को रीच आउट करके उसकी लोकेशन जानी और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त अगर ऐसा नहीं होता तो शायद श्री प्रकाश शुक्ला के बढ़ते अपराध के तले यूपी और बर्बाद हुआ होता। दोस्तों हम बार बार जो नाम ले रहे हैं, यह शख्स किसी माफिया बैकग्राउंड से नहीं था बल्कि एक मामूली से टीचर का लड़का था जिसकी महज 25 साल में ही मौत हो गई। लेकिन उन 25 सालों में उसने वह नाम कमा लिया जो अपराध की दुनिया में किसी के लिए मील का पत्थर होता होगा। लेकिन वह इतने से खुश नहीं था दोस्तों, क्योंकि वह इंडिया का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था, टीवी पर आना चाहता था। वो चाहता था कि पूरा देश उससे डरे और डर कर उसकी इज्जत करे। तो ये जानते हैं कि कौन था श्री प्रकाश शुक्ला जिसकी वजह से यूपी पुलिस को एसटीएफ टीम मिली और यूपी में उसी के बाद से एनकाउंटर आम हुआ, जिससे कई बड़े बदमाशों का सफाया किया गया और अपराधियों के मन में मारे जाने का डर आया, जिससे यूपी में अपराध पर कुछ हद तक लगाम लगी। दोस्तों श्री प्रकाश की शुरुआत योगी जी के शहर गोरखपुर से होती है, जहां 1973 में मामखोर नाम के एक गांव में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता स्कूल मास्टर थे, यानी एक साधारण परिवार। लेकिन श्री प्रकाश का दिल पढ़ाई में नहीं रहता था, उसे उस वक्त लड़ने का शौक था, यानी वो पहलवानी करना चाहता था। चौड़ी देह और लंबे कद का श्री प्रकाश जल्द ही अखाड़ों में अपना नाम कमाने लगा। पहलवानी चलती रहती तो शायद उसकी जिंदगी का सफर कुछ और ही होता। लेकिन फिर साल 1993 में हुई एक घटना ने उसकी कहानी का रुख मोड़ दिया। तो दोस्तों हुआ यूं था कि एक रोज राकेश तिवारी नाम के एक लफंगे ने श्री प्रकाश की बहन को देखकर सीटी बजा दी। प्रकाश ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत ही हो गई। और इस तरह से एक एस्पायरिंग रेसलर ने अपने करियर को अपराध की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक हत्यारे का ठप्पा लग चुका था, इसलिए उसका जेल जाना तो तय था। लेकिन जेल जाकर वो सजा काटने वालों में से नहीं था, इसलिए वह पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक फरार हो गया, जिसके कुछ साल बाद उसकी वापसी होती है। बैंकॉक से आने के बाद वो बिहार गया। बिहार के मोकामा में उन दिनों एक डॉन का बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ करता था। डॉन साहब का नाम था सूरजभान, और ये वही सूरजभान थे जिन्होंने उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को अपनी छत्र छाया में रखा और श्री प्रकाश ने उन्हें अपना गॉडफादर मानते हुए अपना आपराधिक करियर फॉर्मल तरीके से शुरू कर दिया। जल्द ही उसने सुपारी लेने से लेकर किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में हाथ डालने लगा। इन धंधों को उसने यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैलाया। जल्दी ही वो अपराध जगत में एक जाना माना नाम बन गया। जैसे जैसे बदमाशी में उसका नाम बढ़ा, उसके शान और शौक भी बढ़ते गए। महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की चेन और लग्जरी कारें, ये आमतौर से उसके शौक बनते गए। ऐसा इसलिए भी था दोस्तों क्योंकि उस दौर में फिल्मों में डॉन के किरदारों को अक्सर ऐसे ही दिखाया जाता था। श्री प्रकाश खुद को भी एकदम फिल्मी डॉन समझता था। अब आपको लग रहा होगा कि जीवन में किसी और को क्या ही चाहिए, लेकिन ये श्री प्रकाश नहीं सोचता था। वो इन सब से भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि श्री प्रकाश जिस यूपी से आता था वो यूपी किसी एक का नहीं बल्कि माफियाओं का गढ़ माना जाता था। श्री प्रकाश को यह लगने लगा था कि यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो उसे महज नया लड़का समझते हैं, इसलिए उसने तय किया कि वो एक बड़े कांड को अंजाम देगा ताकि उसके नाम का भौकाल जम जाए। तो तभी आया साल 1997, और 1997 तक वो सिर्फ अपराधियों के बीच में जाना जा रहा था। लेकिन 1997 में यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे वीरेंद्र शाही, जिन्हें ठाकुर समाज का बहुत बड़ा नेता माना जाता था, उनका वर्चस्व पूरे पूर्वांचल में हुआ करता था, इसलिए श्री प्रकाश ने उन्हें अपना टारगेट बनाया। एक दिन दोपहर के समय जब वीरेंद्र शाही लखनऊ में किसी काम से मौजूद थे, तो श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में सरेआम वीरेंद्र शाही को गोली से भून दिया। बस फिर क्या था दोस्तों, पूरे यूपी में हल्ला मच गया। हर गैंग को इसकी खबर लग चुकी थी कि एक नए छोकरे ने पुराने बाहुबली को खत्म कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी कि पूर्वांचल की जमीन में एक नए खिलाड़ी का उदय हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी शुक्ला यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उसकी लिस्ट में अगला नंबर था कल्याण सिंह, सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी भी पूर्वांचल के कम बड़े बाहुबली ना थे दोस्तों। कुछ सालों पहले तक गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इनकी तूती बोलती थी। खैर 1997 की बात करें तो वो 15 साल से विधायक थे और एक चुनाव तो उन्होंने जेल में रहते ही जीत डाला था। ऐसे में श्री प्रकाश की नजर हरिशंकर तिवारी की सीट पर थी। उसे एहसास हो गया था कि एक बार विधायक बन जाए फिर कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो यही कारण था कि हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाए हुए थे। कहा जाता है कि वो शुक्ला के पिता को हर समय अपने साथ रखते थे ताकि वो उन पर हमला करने की हिम्मत ना करे। खैर तिवारी जी तो बच गए, लेकिन जल्द ही श्री प्रकाश ने एक और हत्याकांड को अंजाम दिया, और ये भी एक सरकारी मंत्री की हत्या थी। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रज बिहारी प्रसाद,
जिनका यूपी के आखिरी छोर यानी देवरिया गोरखपुर तक सिक्का चलता था। ऐसे में श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने वो अपनी लाल बत्ती वाली कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लेस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भून कर फरार हो गए। और इस कत्ल के पीछे श्री प्रकाश का उद्देश्य था रेलवे के ठेकों पर वर्चस्व स्थापित करना। इसी फिराक में कई छोटे बदमाशों को उसने दौड़ दौड़ कर मारा था। जैसे जैसे श्री प्रकाश के अपराध का ग्राफ बढ़ा, पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम से पन्ने भी बढ़ते चले गए। पुलिस के रडार पर तो वो काफी समय से था, लेकिन 1998 के आसपास पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए। सबके हाथ पांव फूलने लगे थे, और अगर वो खबर पूरी हो जाती तो शायद अपराध प्रशासन का कत्ल कर देता। दरअसल पुलिस को ये पता चला कि शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है, वो भी 6 करोड़ रुपए में। अब ऐसे में पुलिस के लिए इस मामले को लापरवाही से हैंडल करना उन्हें मुश्किल में ढकेल देता, जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है दोस्तों एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले यूपी पुलिस में ऐसे अलग से टास्क फोर्स का गठन नहीं हुआ था। दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री को जब अपनी जान जाने का डर लगा तो उन्होंने उसके लिए अपने सबसे काबिल अफसर को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की कमान सौंपने के लिए बुलाया। लेकिन उस वक्त के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से यह रिक्वेस्ट किया कि अगर वे चाहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला और उसके जैसे बदमाशों का यूपी से सफाया हो तो उसके लिए उन्हें एक अलग से टीम देनी पड़ेगी, और इसी टीम का नाम स्पेशल टास्क फोर्स रखा गया। दोस्तों एसटीएफ के बारे में आपको बताएं तो साधारण पूर्व पुलिस से अलग होती है, और इसके पास ये अधिकार होता है कि बिना किसी एफआईआर के वो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन चला सकती है। साथ ही एसटीएफ के काम किसी खास इलाके में काम करने के लिए मजबूर नहीं होती है, बल्कि वह प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाकर अपराधियों को दबोच सकती है। इसके अलावा एसटीएफ को यह भी अधिकार होता है दोस्तों कि वह किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी अपराधी को पकड़ सकती है। एसटीएफ के पास हर तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट और हथियार मौजूद होते हैं, इसलिए अपराधी का इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। खैर अब वापस आते हैं कहानी पर कि एसटीएफ के पास जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कैसे श्री प्रकाश को ट्रेस किया। दोस्तों जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने की जिम्मेदारी एसटीएफ पर गई तो उसने दूसरे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में भी अपने लोगों को उसकी मुखबरी करने के लिए कह दिया था, जिसके बाद अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में उसने किराए पर एक फ्लैट लिया है। यहीं से वो अपना धंधा चलाता था फोन के जरिए, और वो हमेशा ध्यान रखता था कि एक ही नंबर बार बार यूज ना करे। इसके लिए उसने 14 सिम कार्ड भी ले रखे थे। खैर सितंबर 1998 उसने लखनऊ के एक बिल्डर को धमकी दी। हर बार की तरह इस बार भी उसकी मांग सीधी थी, हर फ्लैट पर 50,000 रुपए की। लेकिन शुक्ला अभी यह रकम वसूल पाता उससे पहले ही यह खबर पुलिस को लग गई थी, क्योंकि उस वक्त भारत में मोबाइल फोन आ गए थे और ऐसे में अपराधियों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लेकिन इस बात से अनजान थे कि ये फोन आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं और फोन कॉल के जरिए किसी भी लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है। यही श्री प्रकाश शुक्ला की मौत का कारण भी बनी। दोस्तों पुलिस ने उसका फोन ट्रैक करना शुरू किया, और यहीं पर श्री प्रकाश शुक्ला से एक बड़ी गलती हो गई। नंबर बदलने की बजाय उस हफ्ते में उसने एक ही नंबर इस्तेमाल किया। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद और उसके कुनबे पर एफआईआर दर्ज होते ही माफिया के परिवार को एनकाउंटर का डर सताने लगा था। प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद भी डरने लगा था। दोस्तों उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब पहली बार उसे उमेश पाल अपहरण कांड की सुनवाई के लिए साबरमती जेल से लाने के लिए प्रयागराज पुलिस पहुंची तो उसकी नींद उड़ी हुई थी। तब माफिया भाइयों ने मीडिया से हत्या की साजिश की बात कही थी। इससे पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता ने फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा जताया था। वहीं अशरफ ने पेशी के दौरान कहा था कि उसकी हत्या की साजिश रची गई है। मंगलवार को शाइस्ता की ओर से उमेश पाल की हत्या के बाद 27 फरवरी को सीएम तथा अशरफ की ओर से सीजेएम को भेजा गया एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में पुलिस के दो आला अफसरों पर संगीन आरोप लगाए थे। उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाए जाने के बाद वापस बरेली पहुंचे अशरफ का बरेली जेल गेट के सामने मीडिया को दिया गया बयान भी खूब वायरल हो रहा है। इसी के साथ अब इन दोनों चिट्ठियों को जोड़ के देखा जाए तो ये मामला उतना भी आसान नहीं दिख रहा है। अब इंतजार है दोस्तों तो इन चिट्ठियों के पीछे का सच सामने आने का, ताकि इस पूरे कांड के पीछे की सच्चाई भी सामने आ पाए। बहरहाल जो भी हो, हम अपने चैनल पर इस मुद्दे से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।